हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और आप अच्छे से आप ड्रॉ भी कर पाओगे। यहाँ पर जो एक एक ग्रिड बॉक्सेज हैं वो एक एक सेंटीमीटर के, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पेपर पर बना लीजिएगा। देन उसके बाद आप एक एक जो ग्रिड बॉक्सेज हैं उनको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आई से स्टार्ट कीजिए, चाहे नोज़ या लिप्स से, आप जैसे मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्री हैंडेड में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर हमें ड्रॉ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप एक एक बॉक्स में बार बार मेजर करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी पूरी ड्रॉइंग कम्प्लीट हो गई है। आउटलाइन कम्प्लीट होने के बाद आप कोई सा भी इरेजर यूज़ करके ग्रिड्स को इरेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप मैकेनिकल पेंसिल या फिर कोई HB पेंसिल का यूज़ करते हुए एक बार थोड़ा फिर से जो इरेज हुआ रहेगा आउटलाइन, उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर फिर से मैकेनिकल पेंसिल से बना दिया था। देन उसके बाद 2B पेंसिल का यूज करते हुए मैं फिर से पूरा बेस लेयर की शेडिंग करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंगली HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्किन थी वो काफी ज्यादा डार्क स्किन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2B पेंसिल का ही यूज किया और उसको मैंने थोड़ा सा चिजल फॉर्म में कर लिया था, जिससे कि थोड़ा ज्यादा एरिया को कवर कर सके और जो शेडिंग हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और स्मूथ शेडिंग हो जाए। एंड गाइस, जब भी आप स्किन की शेडिंग करते हैं तो उसमें आपको ट्यूनिंग और डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप स्टार्टिंग से पेंसिल के डायरेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देन गाइस, उसके बाद थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि पूरी जो स्किन है वो अच्छे से डार्क हो जाए। एंड गाइस, जब भी आप स्किन शेड करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया में होता है, तो वहाँ पर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि उससे ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहती है। आप ऐसे स्लोली स्लोली उसको ब्लेंड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके स्किन टेक्स्चर भी नज़र आने लगेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर का टेक्स्चर भी दिखने लगता है, तो आप उसी तरीके से एप्लीकेशन उसे कर सकते हैं। देन गाइस, पूरा कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं यहाँ पर 8B पेंसिल का यूज़ करते हुए पूरा आई को ड्रॉ करूँगा और जो पिपल है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा चारकोल पाउडर लगाया, जिससे कि काफी ज्यादा डार्क हो जाए। देन गाइस, उसके बाद मैं 4B और 8B का यूज करते हुए कंप्लीटली इसको ड्रॉ करूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं करता हूं। एंड गाइस, इसके बाद आईब्रोज की बेस लेयर मैंने मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाई है। देन उसके बाद चारकोल पाउडर का यूज करते हुए अच्छे से एक लेयर बना दिया, जिससे पूरी की पूरी चीजें ब्लैक हो जाए। एंड गाइस, इससे मुझे डार्क पेंसिल का यूज करना ज्यादा नहीं पड़ता, उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा अच्छे से टेक्सचर्स मिल जाते हैं। एंड गाइस, उसके बाद 4B पेंसिल का यूज करते हुए अच्छे से पूरा मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, जिससे कि काफी ज्यादा अच्छे से आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन गाइस, यहाँ पर फिर से जो नोज पार्ट है वहाँ पर मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर मैंने ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज़ किया, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर कम चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, जिससे कि पूरा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एक तरह से पूरी डिज़ाइन आ गई है। देन गाइस, यहाँ पर कोहिनूर इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए पूरा का पूरा इरेज करूँगा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली इरेज हो रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं ब्रिस्टो का 250 GSM पेपर यूज़ कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप चाहे तो परचेज भी कर लीजिए। ये मुझे ऑनलाइन 225 रुपीज़ में मिला था। एंड इसकी रिव्यू की वीडियो भी मैंने पहले बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो आप यहाँ बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छे से ये इरेज हो रहा है और ड्रॉ भी हो रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आ जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर भी है। एंड गाइस, जो भी मटेरियल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं उन सबकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की थी उनकी लिंक्स भी दे दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। एंड गाइस, जो यहाँ पर डिज़ाइंस बनी थी उनको मैकेनिकल पेंसिल और 2B पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया था। एंड गाइस, जो लिप्स के पार्ट्स हैं वहाँ पर मैंने मैकेनिकल पेंसिल से पहले बेस लेयर बनाई थी, देन 4B और 6B का यूज़ करते हुए पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया। इसमें कोई ज़्यादा टफ वर्क नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। देन गाइज, यहाँ मॉस्टेचेज और बियर्ड्स बनाने के लिए मैंने बेस लेयर अच्छे से मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ किया है। यहाँ पर अच्छे से एक एक चीज़ें करने के बाद मैं इंटेंडेशन भी कर दिया हूँ, जिससे कि वाइट एयर्स अच्छे से दिखने लगे। आप ऐसे ही चाहो तो मैकेनिकल पेंसिल या फिर कोई आपके पास खाली पेन है तो उसके टिप से आप ऐसे इंटेंडेशन कर सकते हैं। देन गाइज, यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर बनाने के लिए 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि जो भी बियर्ड्स और मॉस्टेचेज हैं अच्छे से ड्रॉ हो जाएँ। यहाँ पर थोड़े कर्ली हेयर्स थे, इसीलिए आपको थोड़ा सा स्लो काम करना पड़ेगा और पेंसिल को बार बार अच्छे से जिगजैग वे में चलाना पड़ेगा। देन गाइस, एक बार बेस लेयर बनने के बाद मैं दोबारा से इस पर चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए पूरा अच्छे से ब्लैक करते हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई है। देन 6B का यूज़ करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें बियर्ड्स के स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, जिससे कि हेयर्स अच्छे से अपीयर होने लगे। ये काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क नहीं था, काफ़ी ज़्यादा आसान वर्क होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं 6B का यूज़ करते हुए अच्छे से एक एक हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्लो स्लो में पूरा एकदम विजुअल अच्छे से दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ।
देन गाइज यहाँ पर जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एंड गाइज जो भी अब सीखने वाली चीज़ है वो है ब्लैक पैंथर के फेस में, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर वाले पार्ट है तो उसको अच्छे से ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी वाइट हेयर्स थे उनको इंटरडेशन की मदद से मैं पूरे के पूरे वाइट हेयर्स को अच्छे से ड्रॉ कर दिया हूँ। एंड गाइज उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हुए जितने भी लाइट हेयर्स थे उनको अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको इन सब चीज़ों में डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो भी हेयर्स पार्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर एक एक हेयर्स की डायरेक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, आपको अभी पूरा जब वीडियो कंप्लीट करके आप अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। सो गाइज यहाँ पर जो भी हमारा सबसे टफ वर्क था वो कंप्लीट हो गया, वो भी वाइट हेयर्स और लाइट हेयर्स की डायरेक्शन देना था। देन गाइज यहाँ पर आइज को मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एंड गाइज आपको लग रहा होगा कि अभी तो कुछ बना भी नहीं है फिर भी बोल रहा है कि आप सबसे ज़्यादा टफ वर्क हो गया है। सो गाइज ये सही है, यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ब्लैक बनाना था, यहाँ पर जो भी एनिमल बना है पूरा पूरा ब्लैक है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें ड्रॉ करने के लिए। आपको अभी अच्छे से दिखाता हूँ किस तरीके से ये इतना ज़्यादा ईजी लग रहा है। आइज में पार्टिकुलरली मैंने HB 2B और 8B का यूज़ किया जिससे कि अच्छे से ड्रॉ हो गई है। देन गाइज यहाँ पर मैं 6B का यूज़ करते हुए थोड़ा थोड़ा सा डार्क हेयर्स को अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे वर्क करना होता है, आपको इसलिए मैंने कई बार एकदम स्लो स्लो वीडियो और काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड वीडियो आपको दिखाया हुआ है कि आपको एक ही हेयर्स ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चारकोल पाउडर है जिसको मैंने चारकोल पेंसिल को सैंड पेपर पर रब करते हुए अच्छे से बनाया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, आपको इसको मैं जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पर मैंने जो भी इंटेंडेशन किया हुआ था वाइट हेयर्स अच्छे से आपको अपीयर भी हो रहे होंगे, तो आपको ऐसे ही पूरा का पूरा आप डार्क करना है, जो भी इंटेंडेशन आपने किया था वो सारे टफ वर्क थे, उसके बाद आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा ब्लैक करते चला जाना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, बस थोड़ा सा ब्रश की डायरेक्शन और उसके अमाउंट का ध्यान रखना है, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर थोड़ा सा कम ब्रश को चलाना है और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर ब्रश को कई बार चलाना है जिससे आपके जो ब्लेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो एंड गाइज जो ये ब्लैकनेस है चारकोल पाउडर की वो पेपर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, तो आपका अगर थोड़ा सा लाइट भी होता है तो आप उस पर घबराइएगा नहीं कि आपका अच्छे से बन नहीं रहा, जब आप एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी ड्राइंग बन जाएगी। देन गाइज यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर चारकोल पाउडर अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था वहाँ पर मैं 8B का यूज़ करते हुए अच्छे से डार्क कर दे रहा हूँ और हेयर की डायरेक्शन में अच्छे से हेयर्स भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर कोहिनूर इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए मैं पूरे के पूरा वाइट पार्ट्स को अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइज अगर आपके पास कोहिनूर इरेजर पेंसिल या फिर टोम्बो मोनो 0 इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर को भी साफ करके यूज़ में ले सकते हैं, आप उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली वर्क करेंगे सारी चीज़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, तो आपको ऐसे ही स्लोली स्लोली वर्क करना है। एक एक चीज़ें एक एक डायरेक्शन पर ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा करना होगा तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी वर्क होता है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो आप उसी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर आप जब एक बार पूरा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर मैं 4B पेंसिल से एक बार लेयरिंग कर दे रहा हूँ जिससे कि जो इरेजर पेंसिल का यूज़ किया था और चारकोल पाउडर का यूज़ किया था वो, इसलिए मैं यहाँ पर एक लेयर बना दिया हूँ। देन गाइज थोड़ा सा हल्का हल्का सा एकदम लाइट ब्रश का यूज़ करते हुए थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। देन गाइज यहाँ पर अब आपको वाइट हेयर्स ड्रॉ करने हैं, जो भी मॉइस्चराइजर्स हैं उनको अच्छे से वाइट हेयर्स को ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर चाहो तो सिर्फ इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए अगर आपका इरेज हो जाता है तो आप उसका यूज़ करते हुए पूरा वाइट हेयर्स बना सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप व्हाइट जेल पेन का यूज़ करते हुए भी आप अच्छे से व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। एंड गाइज ये पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसलिए मुझे कहीं पर भी व्हाइट जेल पेन की यूज़ नहीं करना पड़ा है, एंड सारा का सारा जो भी व्हाइट पार्ट्स थे उसको मैंने इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए ड्रॉ कर लिया है। सो गाइज यहाँ पर हमारी पूरी ड्रॉइंग कम्प्लीट हो गई, आप एक एक डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने जूम करके पूरा आपको दिखा देता हूँ, एक एक डिटेल्स एक एक टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ड्रॉ हुआ है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है बस आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको ये सारी टेक्निक्स डिटेल्स जितनी भी जितना इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको समझ में आए होंगे। एंड गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया था प्लीज़ हिट ए लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।